अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद माज है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को प्ले स्टोर जैसी वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर पर बहुत सारी ऐप को डाउनलोड करते होंगे और लोग भी प्ले स्टोर से गेम्स वगैरह को डाउनलोड करते हैं। दोस्तों अगर आप प्ले स्टोर जैसी अपनी वेबसाइट बना लें तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों आपने अपनी वेबसाइट पर एड लगा के बहुत ही पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आपने बस काम कोई नहीं करना, आपने एक वेबसाइट बनानी है और प्ले स्टोर से ऐप का लिंक उठा के अपने वेबसाइट में डाल देना है। वेबसाइट में डालने के बाद आपने अपनी वेबसाइट में ऐड लगा देना है। ऐड लगाने के बाद जो भी आपकी वेबसाइट का विजिट करेगा तो आपको पैसे मिलेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाता हूँ और आपको बता देता हूँ कि आप प्ले स्टोर जैसी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ ब्लॉगर। दोस्तों जस्ट मैंने ब्लॉगर पर ऐसे टाइप कर रखा है। दोस्तों ये देखिए मेरी वेबसाइट है। दोस्तों मैंने यहाँ पर 11 पोस्ट की हुई है। दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसी वेबसाइट लगती है। दोस्तों यहाँ पर आपको व्यू ब्लॉग का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों आपने इस पर क्लिक करना है। दोस्तों ये देखिए ये मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है। दोस्तों ये देखें मैंने यहाँ पर कुछ ऐप्स वगैरह डाल रखे हैं। दोस्तों ये देखें ये बहुत ही अच्छी लग रही है और यहाँ पर आप पेज वगैरह भी डाल सकते हैं। दोस्तों ये मेरी वेबसाइट का नाम है ऑनलाइन फ्री ऐप्स। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप यहाँ पर कोई भी ऐप वगैरह को अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों आप मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे प्ले स्टोर बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने अपने ब्लॉग को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको थीम का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों आपने थीम पर आ जाना है और दोस्तों ये थोड़ी देर बाद आपके सामने खुल कर आ जाएगा। दोस्तों ये देखिए मेरे पास खुल के आ गया। दोस्तों यहाँ पर आपको बैकअप एंड रीस्टोर का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको चूज फाइल का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों आपने चूज फाइल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे मैंने चूज फाइल पर क्लिक किया और आपने जो भी थीम डाउनलोड कर रखी होगी आपने उस फोल्डर को ओपन कर लेना है। दोस्तों इस थीम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ये थीम है। दोस्तों मैं इस थीम को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ये देखें यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन मिला। दोस्तों आपने अपलोड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ये थोड़ी देर बाद आपके कंप्यूटर में ये से अपलोड हो जाएगी। दोस्तों ये देखिए मेरे पास अपलोड हो चुकी है। दोस्तों अगर आप अपनी वेबसाइट को प्ले स्टोर बनाना चाहते हैं तो आपको एक थीम को डाउनलोड करना होगा। दोस्तों जिस थीम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि ये कैसी लगती है। दोस्तों आपको व्यू ब्लॉग का ऑप्शन मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ये देखें जैसे मैंने व्यू ब्लॉग पर क्लिक किया मेरी वेबसाइट बहुत ही खूबसूरत लग रही है। दोस्तों अब मैं आपको और भी बता दूं कि आपने इस थीम में क्या क्या एडिट करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों आपने इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों ये थोड़ी देर बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। दोस्तों आपने उनमें से किसी भी और ऑप्शन को एडिट करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको हेडर लेफ्ट का ऑप्शन मिला। दोस्तों आपने यहाँ पर आपको एक एडिट का ऑप्शन मिला। दोस्तों आपने इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे मैंने इस पर क्लिक किया मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया। दोस्तों ये थोड़ी देर बाद ये देखिए मेरे पास खुल के आ गया। दोस्तों यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर मेरी वेबसाइट का नाम दिया हुआ, मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं देता। दोस्तों अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आपको देकर आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिला। दोस्तों आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा मेन मेन्यू। दोस्तों और यहाँ पर आपको मेन्यू जैसा कि ये मेन्यू है। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन लगे हुए हैं। दोस्तों अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो आपको मेन मेन्यू पर आना है और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिला। दोस्तों आपने इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ये थोड़ी देर बाद आपके सामने खुल के आ जाएंगे ऑप्शन। दोस्तों ये देखें ये आ गया। दोस्तों अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आपने एडिट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर वो नाम है और यहाँ पर आपको लिंक देना होता है। दोस्तों लिंक क्या होता है दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि लिंक क्या होता है। दोस्तों
यहाँ पर आपको पेजेस पर आना होता है और यहाँ पर न्यू पेज का ऑप्शन आपको मिलेगा दोस्तों, आपने उस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे मैंने न्यू पेज के ऑप्शन पर क्लिक किया दोस्तों, जैसे मैंने न्यू पेज पर क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन हो गई। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसका लिंक आप कैसे निकाल सकते हैं, ये देखें ये थोड़ी देर बाद आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं पेज का नाम दे देता हूँ दोस्तों, मैं पेज का नाम AS दे देता हूँ और मैं इस दोस्तों अगर आप पे कुछ भी पोस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो को अपलोड कर लेता हूँ दोस्तों। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको फ़ोटो का ऑप्शन मिला दोस्तों, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन मिला दोस्तों, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चूज फाइल का ऑप्शन मिला दोस्तों, आपने इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। मैं कोई भी यहाँ पर अपनी फ़ोटो वगैरह को अपलोड कर लेता हूँ दोस्तों, मैं इस बैकग्राउंड को अपलोड कर लेता हूँ दोस्तों। ये थोड़ी देर बाद आपके मोबाइल में आपके कंप्यूटर में इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको ऐड सिलेक्ट का ऑप्शन मिला दोस्तों, आपने इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। ये है देखें, ये मेरे पास अपलोड हो चुकी है और पेज का नाम आपको ऊपर की साइड पर देना है और यहाँ पर आपको पब्लिश का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, आपने फिर इसको पब्लिश कर देना है। जैसे मैंने पब्लिश पर क्लिक किया, मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया दोस्तों। ये देखें, मेरे पास AS का पेज ओपन हो गया है और यहाँ आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन मिला दोस्तों, आपने इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको ऊपर की साइड पर एक URL मिलेगा दोस्तों, आपने इस URL को कॉपी करना है। कॉपी कर आपने यहाँ पर लेआउट पर आ जाना है और यहाँ पर आपको मेन मेनू का ऑप्शन मिला दोस्तों, आपने इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिला दोस्तों, आप जिस भी लिंक को एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको उस पेज का नेम देना होता है, मैं यहाँ पर AS लिख देता हूँ और यहाँ पर आपको हैश की जगह उसका URL देना होता है दोस्तों। मैंने यहाँ पर URL दे दिया और यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिला दोस्तों, आपने इस पर क्लिक कर देना और थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर भी आपको एक सेव का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, आपने इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। ये देखें, ये सेव हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसी लगती है दोस्तों। मैं यहाँ पर व्यू ब्लॉग कर लेता हूँ दोस्तों। ये देखें, ये थोड़ी देर बाद मेरे पास ओपन हो जाएगी दोस्तों। ये देखें, ये AS का मेरे पास आ चुका है दोस्तों। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी दोस्तों। ये देखें, ये मेरे पास आ गया, ये बैकग्राउंड जो मैंने अपलोड किया था दोस्तों। अगर आप भी इस तरह से अपनी वेबसाइट को दोस्तों अगर आप भी इस तरह से अपनी वेबसाइट को प्ले स्टोर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच सके।